देखिए जो कल हमारे साथ शेमफुल एक्ट हुआ ना, तो उस वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कल जब उन्होंने मुझे इंजर्ड देखा तो उन्होंने कहा कि हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। क्या हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स रोड पे आ जाए? हम चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द फैसला हो जाए ताकि हम भी सुख शांति से नया साल को सेलिब्रेट करें, आने वाले वक्त को सेलिब्रेट करें। लेकिन हम आज रोड पे है, कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज रोड पे बेटी है, लाठियां मार रहे हैं उन पे। हमने क्या कसूर किया है? हम अपना हक मांग रहे हैं। क्या हक मांग रहे हैं? हमारा जो पोस्टर्स है डिफ्रीज किया हुआ है, उनको फ्रीज कर दो, और हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है 5 साल का रख दो, और हमारी सैलरी हाई करो ताकि हम आने वाला वक्त अच्छे से गुजार पाए। जी, मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब है, मैं बांडीपोरा से हूँ। जो कल हमारे टीचरों पे लाठीचार्ज हुआ, ये बहुत ही बुरा हुआ। देखो, ऐसी ब्रूटल से काम नहीं लेना चाहिए। हम टीचर्स हैं, बिल्डर ऑफ नेशंस हैं। हम पूरा मन, आज तक जो भी हमारा प्रोटेस्ट हुआ वो हमने पूरा मन किया। कल भी हम पूरा मन जा रहे थे और अचानक पुलिस आई, उन्होंने हमारे फीमेल टीचरों को मारा, हमारे मेल टीचरों को मारा, बहुत से टीचर जख्मी हैं। हम इस पॉलिसी के लड़ रहे हैं, अपनी पॉलिसी के लिए जो इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम कोई इनसे नया नहीं मांग रहे हैं। जो ऑलरेडी पॉलिसी में मेंशन है कि आपको हम 5 साल करेंगे और आपके पोस्ट को फ्रीज रखा जाएगा तब तक जब तक आप इन पोस्टों पे परमानेंट नहीं हो जाओगे के लिए, और हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक ये हमारे हक में एक और ऑर्डर ना निकाले कि आपके पोस्टों को हम तब तक फ्रीज ही रखेंगे जब तक आप परमानेंट हो जाए। Justice! Keep it! 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 Justice! Keep it!